हेलो फ्रेंड्स, मैं ईला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मौसम है नींबू में भर भर के फूल आने का। मैं आपको दिखाऊं, मेरे देखिए पौधे में कितने भर भर के इसमें फूल आ रहे हैं। कोई भी शाख, चाहे वो कैसी भी हो, सारे में फूल भरे हुए हैं। ये देखिए, सारे पौधे में फूल भरे हुए हैं। और ये छत के ऊपर है दोस्तों, ये देखिए कितने खूबसूरत फूल आए हुए हैं इसमें। पत्ते कम हैं और फूल ज्यादा हैं, हर टहनी पे फूल है। दिखाऊं मैं आपको, और ये छत के ऊपर है एक 22 इंच के प्लास्टिक के गमले में। बहुत शिकायत होती है, मैं जाती हूँ लेक्चर्स के लिए तो बहुत शिकायत होती है कि मैम फूल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं। तो एक मैं आपको रामबाण उपाय बताती हूँ, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने वो कर लिया तो आपके पौधे में भी इसी तरह से भर भर के फूल आएंगे और आप उनको संभाल नहीं पाएंगे। एक दो टिप्स दूंगी, ध्यान रखिएगा उनका। आपको जितने फूल हैं उतने ही फल भी मिलेंगे, क्योंकि दूसरी शिकायत ये होती है कि फूल तो बहुत आए मैम, लेकिन फल नहीं लगे उसमें। तो दोस्तों, अगर 100% फ्लावरिंग है तो ये मान के चलिए कि 50% भी अगर आपकी फ्रूटिंग हो जाती है उसमें तो आप बहुत सफल हैं। क्योंकि जितने फूल हैं अगर उतने ही फल लग जाएंगे आपके पौधे में, तो आपका पेड़ उसका वजन फलों के भार का उठा नहीं पाएगा। तो इसलिए बहुत सारे फूल झड़ जाते हैं। कम फूल झड़े इसके लिए एक उपाय हो सकता है कि आप अपने पौधे में पानी बिल्कुल कम डालें जब कलियां आ जाती हैं। आपको अगर मैं अपनी सॉइल दिखाऊं, ये देखिए एकदम भुरभुरी है, एकदम भुरभुरी है। तो कलियां आने के टाइम पे अगर आपके पौधे में, आपके गमले में 4 इंच नीचे तक नमी है, ऊपर की 4 इंच मिट्टी सूख भी गई है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बस नमी बना के रखिए, और अगर जमीन में लगा है तो पानी तो मत ही डालिए जब तक कि आपके पौधे में ये फूलों में फल सेट न हो जाए और एक मटर के दाने के बराबर न हो जाए। तब तक जमीन में आपका जो पौधा लगा है और वो फूलों में इस तरह से भरा हुआ है, तो उसमें पानी मत डालिए। और कब पानी शुरू करेंगे ये भी मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगी। और अगर छत पे है तो गमले में तो ज़रूर हमको उसको पानी देना ही पड़ेगा। पानी बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड दीजिए। कम पानी का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आपने ये 22 इंच के गमले में 1 लीटर पानी डाल दिया, नहीं, वो तरीका नहीं है। जब भी आप पानी देते हैं अपने गमले में तो भरपूर पानी दीजिए कि वो नीचे से जड़ों को गीला करते हुए, पूरे नीचे तक की जड़ों को गीला करते हुए गमले का जो सुराख है नीचे उससे बाहर आ जाए। और दोबारा तभी पानी दीजिए जब ऊपर की कम से कम 2-3 इंच की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, क्योंकि नीचे नमी बनी रहती है। तो बात हम कर रहे थे इतने फूल लाने के लिए हम क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत आसान सा उपाय मैं आज आपको बता रही हूँ। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा ही चोखा। दोस्तों, हमारे सबके घरों में, रसोई घर में सिरका होता है, वाइट विनेगर, बस 1 चम्मच वो लीजिए और 1 चम्मच लीजिए नींबू का रस, और उन दोनों को आप मिला के रख दें 1 लीटर पानी में और करें उसका स्प्रे अपने पौधे पर, अच्छी तरह से उसको ड्रेंच कर दें उससे। फिर 15 दिन बाद फिर ये उपाय करें। और यही जल जो है और थोड़ा सा डाइल्यूट करके अपनी सॉइल में दे दीजिए। जब आप पानी डालें तो अपनी मिट्टी में भी ये मिश्रण जो है उसको दें,
आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक हफ्ते के अंदर आपका पौधा फूलों से भरने लगेगा। और जब आप दूसरी बार दे देंगे तब इस तरह से पूरे गमले में फूल ही फूल आ जाएंगे। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, अपने रसोई घर में जाइए, वाइट विनेगर या सिरका उठाइए और एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच सिरका, एक लीटर पानी में मिला के डाल दीजिए और भरपूर फूल अपने पौधे में पाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये उपाय कारगर होएगा और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सबके संग शेयर करिए और उनसे कहिए आगे भी इस तरह के टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।